भागलपुर के सुल्तानगंज में बीते दिनों बेखौफ अपराधियों ने सुल्तानगंज नगर परिषद उपसभापति नीलम देवी के पति रामधनी यादव को गोली मार दी थी, जिसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं इस मामले को लेकर भागलपुर SSP आनंद कुमार ने एक शूटर को लोगों की मदद से मौके से गिरफ्तार कर लेने की बात कही थी। इधर एक और जहां घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि DSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा पकड़े गए अपराधी से पूछताछ जारी है। वहीं इसको लेकर SSP ने कहा कि SDPO लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में बेस्ट ऑफिसर्स की टीम बनी है और पिछले 24 घंटे में टीम ने लगातार 4 जिलों में छापेमारी कर गोलीकांड को अंजाम देने वाले सभी अपराधियों की पहचान कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए, एक जो शूटर था वो तो मौके से पकड़ा गया और उसका इलाज चल रहा है। उससे पूछताछ भी हमारी टीम लगातार कल से कर रही है और उसमें SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में, डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में हमारे जो बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हैं उनकी टीम बनी है और वो लोग पिछले मुझे लगता है 24 घंटे ही हुए हैं इस घटना को, और पिछले 24 घंटों में यह टीम लगातार 3-4 जिलों में छापेमारी कर रही है और जैसे ही जानकारी साझा करने लायक हमारे पास उपलब्ध होगा हम लोग आपको बुला के उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। भागलपुर नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर के निर्देश पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नगर निगम कार्यालय परिसर में लाकर वो अस्थायी रूप से रखा गया है, जिसके बाद अगले ही दिन सुबह प्रतिमा को स्थानांतरित करने की बात कही गई। वहीं इसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना की बात पर विवाद शुरू हो गया, जिसको लेकर प्रतिमा स्थापना समिति के संयोजक संतोष कुमार ने नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिमा को नगर निगम प्रशासन नहीं रखना चाहती है। संतोष कुमार ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अविलंब उनकी प्रतिमा को एक निश्चित स्थान पर स्थानांतरित कर स्थापित किया जाए। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिलावासी बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। हालांकि नगर निगम प्रशासन की ओर से तत्काल रात्रि में तैनात गार्ड को निलंबित कर दिया गया, जबकि देखने वाली बात यह है कि कब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को निश्चित स्थान पर स्थापित किया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा रात में आई है और इस स्थान पर भी रखा गया है और हम लोग नगर आयुक्त से मिलने आए थे। नगर आयुक्त का है कि यहाँ भवन निर्माण होना है, तो भवन निर्माण के बाद कौन सी जगह वो हम लोगों को चिन्हित करते हैं, उस चिन्हित जगह पर हम प्रतिमा का स्थापना करेंगे। अभी प्रतिमा यहाँ रखी गई है और हम लोगों ने कहा कि प्रतिमा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, उसकी पूरी सुरक्षा उसको मिले। अगर प्रतिमा का कोई भी अंग भंग होता है तो यह हम सबों की भावना आहत होगी और भावना आहत होगी तो इसका बड़ा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। विगत 3 दिनों से सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे क्षेत्रीय किसान मेला का समापन शनिवार को हो गया। इस दौरान मेले में विभिन्न राज्यों से आए किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉल को देखकर समापन सत्र में किसानों को पुरस्कृत किया गया। वहीं कार्यक्रम में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जागरूकता सह प्राकृतिक पदार्थों से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें प्राकृतिक चीजों से बने साबुन, बांस से बने उत्पाद, गोबर से बने दिए और मंजू घास से बने उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इधर मेला में लगी प्रदर्शनी में इस स्टॉल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मौके पर भारतीय वन्यजीव संस्थान की कल्पना चंदेल, गंगा प्रहरी, गौरव सिन्हा, मुकेश कुमार चौधरी, आशुतोष कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेला में विक्रमशिला मिल्क लिमिटेड भागलपुर की ओर से पूर्वी चंपारण से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने सुधा काउंटर के समक्ष रखे एक ट्रक की बालू पर 6 फीट ऊंची गाय की अद्भुत कलाकृति उकेरी है, जिसमें कलाकार द्वारा श्वेत सुधा, अपना संग, नारी शक्ति लाए रंग लिखा गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस कलाकृति के माध्यम से सेंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लोगों को नारी शक्ति के सम्मान, शक्ति और भूमिका का संदेश दिया, जिसकी हर कोई सराहना करता दिखा। वहीं इस दौरान मेला में पहुंचे लोगों के लिए यह तस्वीर सुंदर सेल्फी पॉइंट भी बन गई। आज
भागलपुर के सबौर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेला में हमने रेत पर गौ माता की तस्वीर को उकेरते हुए महिलाओं की जो पशुपालन और दूध उत्पादन के क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन का भूमिका है उसको हम रेत पर उकेर कर नारी शक्ति का संदेश दिया हूँ। मैं मधुरेंद्र कुमार, पूर्वी चंपारण, बिहार। भागलपुर के शाह मार्केट स्थित शाह मंजिल में आगामी 26 फरवरी को उर्स का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दराज से इस्लामिक धर्मगुरुओं का आगमन हो चुका है। वहीं कार्यक्रम को लेकर सज्जादा नसीम सैयद शाह फकरे आलम हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष उर्स महोत्सव मनाया जाता है और कार्यक्रम में इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना सैयद सलमान नदवी हुसैनी भी शामिल होकर लोगों से रूबरू होंगे। इधर मौलाना सैयद सलमान ने कहा कि उर्स महोत्सव का उद्देश्य लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाना है, जिससे देश में धर्म और जाति के नाम पर बढ़ने वाली हिंसा पर लगाम लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी जातीय उन्माद के रंग में ढलते जा रहे हैं, जिसे निजात पाने को लेकर देश के विभिन्न इलाकों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। साथ ही कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में इंसानियत और एक दूसरे के प्रति सद्भाव और सहयोग की भावना जगाना है। उनको अच्छे आदर्श बताना और उनको समाज के लिए लाभदायक किस तरह वो बन सकते हैं, इसका पैगाम देना, ये भी एक अहम उद्देश्य होगा। हमारे नजदीक विश्व विख्यात धर्मगुरु जनाब सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब हैं, जो इस प्रोग्राम के अहम तरीन और ख़ास मुकर्रर होंगे, जो लोगों से बात करेंगे, उनके सामने पैगाम रखेंगे इंसानियत का, दीन का, अख़लाक का, और नौजवानों को कैसे मुस्तकबिल में उनको एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का रास्ता मिले, इसके ऊपर वो इंशाल्लाह बयान देंगे। भागलपुर जगदीशपुर थाना की ओर से बिहार पुलिस दिवस को लेकर थानाध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर से बाइक रैली निकाली गई। रैली पुरैनी बाजार होते हुए मखना, गोनूधाम, तरडीहा, सनौली होते हुए पुनः थाना परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस दिवस को लेकर बाइक रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य इलाके के लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगाना और किसी तरह की समस्या होने पर पुलिस की मदद लेने के लिए आगे आना है। मौके पर SI सुधीर कुमार, ASI कृष्ण कुमार राय, चौकीदार विजय कुमार, शंभू कुमार एवं गौतम कुमार समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस जिला नौगछिया के न्यू पुलिस लाइन में तैनात एक होमगार्ड जवान नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज को आवेदन देकर अचानक रोते हुए बेसुध हो गया, जिसे SP समेत सभी लोग अचंभित हो गए। वहीं इसको लेकर होमगार्ड जवान ने बताया कि उसका ट्रैक्टर नौगछिया माँ धर्मकांटा के पास नमक लोड करने गया था और किसी अन्य अपराधी ने उसके ड्राइवर को डरा धमका कर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। होमगार्ड ने कहा कि नवादा के रघुवंश यादव के घर पर उसने अपनी गाड़ी को देखा था, साथ ही कहा कि किसी फर्जी दरोगा द्वारा उसको जेल भेज देने की बात कहकर डराया धमकाया गया। वहीं होमगार्ड जवान द्वारा न्याय की गुहार लगाने के बाद SP ने उसे मदद का भरोसा देते हुए कहा कि किसी को अपराध की छूट नहीं दी जा सकती है और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। ये जो है 23 तारीख को मैं वर्दी पहन के ड्यूटी जा रहा था, करीबन 10:07 पर मुझे मेरे मोबाइल में फ़ोन आया, और फ़ोन आया रघुवंश यादव का। उन्होंने कहता है कि आपसे बड़ा बाबू बात करेंगे, तो बड़ा बाबू को दे दिया, और कौन फर्जी तरीक़ा से बड़ा बाबू बन के मुझसे बात करने लगा। बोलता रघुवंश यादव को पहचानते हैं, नवादा का है, तो वो बोला कि जो बड़ा बाबू बात करेंगे, अब कौन बड़ा बाबू थे नहीं थे वो हमसे बात करने लगे, हमको कहने लगे कि काहे तुम सलटते हो आकर के, क्यों नहीं सलटते हो, डांटने धोपने लगा। बस इतने इसी के क्रम में मुझे श्रीमान जैसे मोबाइल धरे कि मेरा दिमाग हीट कर गया, मेरा तबीयत खराब था, हीट कर गया, मैं गिर गया। मुझे उठा पुठा के मायागंज ले गया, मैं इलाज के दरमियान में ही आज साहब के नज़दीक आए हैं।
भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालूचक पुलिया के समीप से नाथनगर पुलिस ने अवैध मिट्टी लोड किए 4 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 4 ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चालक की पहचान लालूचक निवासी पप्पू मंडल, बैरिया निवासी हंसराज, अजमेरीपुर निवासी अजय कुमार और नंदकिशोर मंडल के रूप में हुई है। वहीं इसको लेकर थानाध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि 4 ट्रैक्टर को जब्त कर कार्रवाई के लिए खनन विभाग को पत्र लिखा गया है, जबकि 4 ट्रैक्टर चालक को पेशी के बाद जेल भेजा जाएगा।